ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। फर्स्ट ईयर AHDP एनिमल मैनेजमेंट में आज हम हाउसिंग फॉर शीप पढ़ेंगे, भेड़ों का आवास, भेड़ों को किस तरह के आवास में रखा जाना है। तो इसके लिए भेड़ों के लिए आवास गृह में निम्न सुविधाएं होनी चाहिए। ईव शेड, फर्श 12 वर्ग फीट प्रति भेड़ तथा इसके साथ 40 भेड़ों के लिए 20x30 रेस्टिंग स्पेस अलग से होना चाहिए। रैम शेड, रैम कहते हैं मेंढे को, ईव भेड़ को। माप इसके लिए 4x2.5 स्क्वायर मीटर इंटू 3 मीटर, 4x2.5x3, ये रैम शेड का जो है माप है नाप। लैम्बिंग शेड, लैम्बिंग इसमें 1.5 फुट x 1.2 फुट लैम्ब के लिए, लैम्ब बच्चा। वाटरिंग टैंक दोनों हेतु टूल का माप 10 इंच 12 इंच 4 इंच, जो 8 इंच से 10 इंच फर्श से ऊंचा। ग्रेन ट्रफ, जो फीड करना है उनको ग्रेन दाने, उनको रखने के लिए, इसका साइज वगैरह इसने दे नहीं रखा, ये चाहिए। डिपिंग वेट, डिपिंग भेड़ों को डिप करना, उनको यूं कहिए नहलाना, डिप करना, जब ऊन कतरने से पहले उसको डिप करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अदरवाइज उनकी वूल में, ऊन में जो है रेत रह जाएगी, कण रह जाएंगे या कुछ तरह के पैरासाइट रह जाएंगे। तो ये डिप इस तरह तैयार की जाती है, इसके अंदर केमिकल्स मिलाया हुआ होता है, तो जैसे ही आप उसको भेड़ को डिप करते हो तो उसमें मिट्टी रेत वगैरह तो चली जाती है, इसके साथ साथ ये अगर हैं तो भी ये पैरासाइट भी मर जाते हैं। डिपिंग बेड, अब उसके बाद में शीरिंग रूम, कतरते हैं ना भेड़ को, ये कमरा बड़ा हुआ पूर्ण रोशनीदार होना चाहिए था, दोनों तरफ भेड़ों को रोकने के लिए जाली लगी खाली जगह होनी चाहिए। आइसोलेशन बॉक्स, भेड़ों को अलग रखने के लिए, कोई बीमार है तो उसको आइसोलेट करना पड़ता है। स्टोर, डिपिंग बेड आ गया, शीरिंग रूम आ गया, ये सारा हमने डिस्कस हो गया। शेष बकरियों वाले माप ही भेड़ों के आवास में लगभग जो है सारे के सारे जो हमने बकरियों में इधर पढ़े हैं वही सारे माप जो है इसमें काम आते हैं। ये अलग होते हैं इसमें, क्योंकि उसके अंदर डिपिंग बेड नहीं होता, शीरिंग रूम नहीं होता, तो इसमें ये ज़रूरी है कि शीरिंग और डिपिंग की प्रक्रिया इसमें अलग से अपनाई जाती है, जो कि हर 6 महीने बाद लगभग जो है कर ली जाती है शीरिंग। नव सूरों के लिए आवास व्यवस्था, पिग हाउसिंग, ये ज़्यादातर तो आप लोगों को इनके नाप वगैरह याद करने वाला ही ये चैप्टर्स हैं सारे, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाला तो कुछ मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा, आपको याद ही करने पड़ेंगे। अब ये इसमें वाटरिंग टैंक का जो माप है वो अब इसमें समझाने वाली क्या, इसमें लंबी कहानी है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। लैम्बिंग शेड का माप है, ईव का माप है, रैम शेड है, ये माप याद रखने पड़ेंगे। सूरों के लिए आवास व्यवस्था, उद्देश्य, इस पशु के बाल बहुत कम स्थानों पर होते हैं, आप देखते हैं सूअर में, तथा स्वेट ग्लैंड्स इसमें, तथा श्वेत ग्रंथि,
स्वेट ग्लैंड्स, क्योंकि बाल नहीं है तो स्वेट ग्लैंड्स हैं। ये जो ओनली स्नाउट पर ही होती है, इसके पसीना जो है स्नाउट कहते हैं, नाक का जो आगे का बड़ा हुआ सा भाग नहीं होता सूर का, देखते हैं अपने, जो जनरली वो नाली के अंदर यूं मारता रहता है, बस वहीं इसके यहाँ स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। बाकी शरीर पर बाल नहीं होते इसलिए स्वेट ग्लैंड्स इसके नहीं है, होती है। इसलिए इसे गर्मी व सर्दी दोनों ही ज़्यादा लगती है। पशु अच्छी शारीरिक वृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि पिग हाउसिंग हो, और इनको सर्दी गर्मी से बचाना जरूरी है इसलिए पिग हाउसिंग हो। पशु को आसान सफाई युक्त आवास सुविधा उपलब्ध हो सके, नहीं तो बाहर तो ये गंदगी में घूम ही रहे हैं, इसलिए कवर्ड एरिया जिसको आप साफ कर सकें। स्थान, शुक्र आवास हेतु शहर के अंदर नहीं, शहर के नज़दीक हो, जहाँ उनका मांस पोर्क आसानी से बिक जाता है, तो ये अंडरलाइन कर लें। सूअर के मांस को पोर्क कहते हैं, पोर्क, जिससे उनके स्थानांतरण व खपत दोनों पर खर्चा कम से कम हो। आवास के प्रकार, शुक्र पालन के 3 तरीके होते हैं, अस्थाई खिसकने वाला आवास गृह, अस्थाई जो कहीं भी खिसकाया जा सकता है, एक अस्थाई आवास गृह परमानेंट है, और एक ये दोनों मिश्रित आवास गृह। मूवेबल पिग हाउस, खिसकने वाला शुक्र आवास, यह आवास व्यवस्था उन सूरों के लिए की जाती है जिनको खुली जगह पर पाला जाता है, और जहां उन्हें चराने की जगह उपलब्ध हो जावे वहीं स्थानांतरित कर देते हैं। इसी भूमि पर 8 फुट × 7 फुट की ढकी हुई छत का लकड़ी का आवास बना देते हैं, जहां भी इनको ले जाना हो, ट्रांसफ़र करना हो, वहां इसी एज इट इज़ जो है वो वहां बना देंगे, ताकि जब भी उनको गर्मी लगे तो इस 8 फुट × 7 फुट ढकी हुई छत इसके नीचे जो है वो इसकी इसके नीचे जो है वो सुरक्षा ले सके। स्थाई शुक्रावास व्यवस्था, परमानेंट बिग हाउस, इसकी लंबाई चौड़ाई अथा अर्थात क्षेत्रफल शुक्रों की नस्ल व उनको पालने के उद्देश्य पर तथा संख्या व उनकी उम्र पर निर्भर करती हैं। यह स्थाई आवास चारों तरफ से तारबंदी व 4 दीवारी से घिरा होना चाहिए। इसके लिए 2 इंच से 3 इंच मैश का 8 अथवा 10 देखना पड़ेगा का जाल लगी तारबंदी की जा सकती है। मैश कहते हैं जाल को, जाल बना हुआ होना चाहिए, और जाल 2 से 3 इंच यूं 2 से 3 इंच की दूरी अथवा 8 अथवा 10 का जाल लगी तारबंदी की जा सकती है। ये देख लेते हैं क्या है ये। इस तारबंदी की 3 से 5 फुट ऊंचाई होनी चाहिए तथा बड़ी मजबूती से जमीन में लगावें, नहीं तो शुक्र उसे सूंड से उखाड़ देगा अथवा उठाकर बाहर निकल जाएगा। शुक्र आवास की बनावट, फर्श, शुक्र का बाड़ा यानी स्टाई का फर्श सीमेंट, कंक्रीट अथवा ईंट सीमेंट से बनाना चाहिए तथा इसकी ऊपरी सतह थोड़ी खुरदरी बनानी चाहिए ताकि शुक्र को फिसलने से बचाया जा सके। इसकी छत, फ्लोर जो है वो देख आ गया, अब छत इसकी रूफ, छत RCC की अथवा एस्बेस्टस शीट्स की बनी हो सकती है, लेकिन चादर की नहीं बनाना, जो लोहे वाली चादरें हैं उसकी कभी नहीं बनाएं, गर्म हो जाती हैं तब जाती हैं, ठंड में ठंडी हो जाती हैं।
आरसीसी छत जो हमें हमारे जनरली हम लगाते हैं घरों में, आरसीसी छत या एस्बेस्ट की छीत लगा के वो उनसे जो है छत जो बनाएं। छत कच्चा पुलों व टाइल्स द्वारा भी बनाई जा सकती है। छत कच्चा पुलों व टाइल्स द्वारा भी बनाई जा सकती है। दीवारें फर्श से 4 से 5 फुट ऊंची होनी चाहिए। दीवारें फर्श से इस ऊंचाई में से 3 फुट तो ईंट सीमेंट से बनावें तथा फिर उसके ऊपर 1 से 2 फिट जो है जीआई पाइप लगाएं ताकि स्वच्छ हवा तथा सूर्य की रोशनी आवास में आ सके। दीवारें हमेशा मजबूत व चिकनी होनी चाहिए, अन्यथा शुक्र उसे रगड़ कर त्वचा को छील लेगा, क्योंकि ये दीवार के साथ जो है वो अपने आप को रगड़ना जो है वो अच्छा महसूस करता है, तो इसलिए अगर ऐसी हुई दीवारें तो रगड़ के खून निकाल लेगा। विंडो खिड़कियां छत के नज़दीक लंबी चौड़ी होनी चाहिए ताकि स्वच्छ हवा व सूर्य की रोशनी आसानी से आ सके। दरवाजे 1.2 से 1.5 मीटर, ये मीटर है, ऊंचे व 0.75 से 1 मीटर चौड़े दरवाजे, 1 मीटर लगभग अंदाजन 3 फुट हो गया और इधर जो है 1.5 हो गया तो 4.5 फुट हो गया, तो आपको तो अंदर जाते समय झुके ही जाना पड़ेगा 4.5, क्यों 5 से ऊपर ही होता है आदमी। दरवाजे व फर्श के बीच में जगह नहीं छोड़े, अन्यथा शुक्र सूंड से उसे उठा देगा या उखाड़ देगा। नांद ट्रफ्स सुअरों पर खर्च का 72% उसके आहार पर ही व्यय होता है, इसलिए इनका निर्माण इस प्रकार से करें कि शुक्र पूर्ण आहार आसानी से खा ले, बेकार नहीं जावे। प्रत्येक सुअर को कम से कम 30 सेंटीमीटर 1 इंच लंबी व 15 सेंटीमीटर ऊंची जगह आहार के लिए आवश्यक है। एक 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर 1 फुट नहीं हो गया, 1 फुट हो गया, 30 सेंटीमीटर 1 फुट लंबी व 15 सेंटीमीटर का हो गया आधा फुट, ये इसने यहां 15 फुट दे रखा है। 15 फुट ऊंची थोड़ी होती हुई है, 15 फुट तो बहुत ऊंचा है, 15 फुट तो 10-12 अरे यार इसने इधर 15 सेंटीमीटर आधा हो गया ना, आधा हो गया। ऊंची जगह आहार के लिए आवश्यक है जिससे वे आपस में लड़े नहीं, नहीं आपस में लड़े नहीं। ये 15 फुट दे रखा है इसने, यार ये भी देखना पड़ेगा, उसकी तो छोटी सी मिस्टेक है। चलिए इसको फिर ये जो कुछ छोटे छोटे इसमें कुछ पॉइंट्स मिले इनको देखेंगे। सभी आहार के नान आसानी से साफ हो सके ऐसे पदार्थ द्वारा निर्मित होने चाहिए। छोटे बच्चों के लिए तो स्टील आदि के बर्तन काम में लिए जा सकते हैं, लेकिन बड़े पशुओं के लिए तो स्थायी निर्माण से बनावें, अन्यथा वे सूंड से उनको उल्ट देंगे। सुअरों के आहार नांद की लंबाई को हर 1 फुट अथवा 30 सेंटीमीटर पर लोहे के पाइप से विभक्त कर दें, 1 फुट पर लंबाई को लोहे के पाइप से विभक्त कर दें, अलग कर दें, ताकि सुअर उसमें घुसकर लोट वेलोइंग घुसकर लोट
जाएगा, लोहे के पाइप से विभक्त कर दें ताकि सुअर उसमें घुसकर लौट जाएगा। पानी व्यवस्था, अब ये इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से करना पड़ेगा। पानी व्यवस्था, वाटर सप्लाई, पानी सूर्य के लिए तथा आवास गृह की सफाई के लिए पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। शुक्र आवास हेतु धरातल, फ्लोर स्पेस, आहार पानी के टफ जो बनाए जाएंगे, पशु की श्रेणी, आवश्यकता प्रति पशु वर्ग मीटर, बंद क्षेत्र, खुला क्षेत्र, पानी व आहार के लंबाई व चौड़ाई टफ की, प्रति पशु शुक्रों की संख्या और आवास की ऊंचाई सेंटीमीटर में। तो ये शुक्र नर, बोर कहते हैं इसको, नर को, सौ कहते हैं ब्याने वाली शुक्री को, मांसाहारी शुक्र, फैटनिंग पिग्स और शुष्क मादा ड्राई ड्राई सौ। तो ये इसके माप जो है इन्होंने दे रखे हैं, ये तो आपने देखने हैं, इसमें कोई बार बार इनको पढ़ने से ये याद नहीं हो जाएंगे आपके, तो इनको तो ध्यान से आपने पढ़ना है। नर शुक्र बाड़ा, बोर कहते हैं नर सुअर को, पेंस, एक बोर के बाड़े में एक ही नर को रखना चाहिए। नर को हमेशा शुष्क मादा सूरी से अलग रखें, पास पास नहीं रखें, दूर रखें। इसके आवास की छत 4.5 फीट से कम नहीं रखें। फेरोमिंग पेंस, सूरी के ब्याणे को, बच्चे देने को, क्रिया को हमने पहले पीछे पढ़ा हुआ है, उसको फेरोइंग कहते हैं, बच्चे देने की क्रिया। तो ये तो काफ़ी आगे लंबाई हो जाएगा इसमें, इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगा, नहीं ये थोड़ा ही है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं सुअर वाले को। तो प्रत्येक ब्याने वाली मादा शुक्री को अलग अलग रखें, प्रत्येक पुरुषते शुक्री को 60-80 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है। 60-80 वर्ग फीट सूरी को, 60-80 वर्ग फीट जहां तक हो सके इसमें स्वचालित पानी की व्यवस्था रखें। 60-80 वर्ग फीट थोड़ा थोड़ा ही होता है, ऐसे थोड़ा ही होता है। इसके साथ खुली जगह वे उसके गर्मियों में लेटने के लिए, लोटपोट होता है ना, के लिए 8 इंच का गड्ढा भी बना लें। 8 इंच के गड्ढे में सूरी की आगे भी, यहाँ इंच है, वहां फुट है, वहां फुट है, वहां इंच, मेरे को तो ऐसा लगा 8 इंच। 8 इंच तो ये हो गया, अब इस गड्ढे में सूरी आ जाएगी क्या? लेकिन कक्ष सूखा रखें, अजीब गरीब कहीं ना कहीं है इसमें। सुकरी के प्रसव होता है तो 1-2 बच्चे होने के बाद दर्द से इधर उधर लौटती है अथवा दूध पिलाने के लिए लौटती फोड़ती है, तो बच्चों को दीवार के पास दबाकर मार देती है। अतः इस पैन में दीवारों से 8 इंच से 10 इंच दूरी रखते हुए 2 इंच व्यास का पाइप लगा देना चाहिए ताकि बच्चे उनके नीचे घुस सकें। बच्चों के अलावा आहार व पानी के छोटे बर्तन भी वहाँ रखने चाहिए। शुष्क शुक्री ड्राई सौ, इनके लिए कोई विशेष इंतजाम की आवश्यकता नहीं, इन्हें 2, 5 अथवा 10 मादाओं को उनकी गर्भावस्था के अनुसार बाड़े में रखें। मांसाहारी फैटनिंग पिग्स, इनको लंबाई में 1 पंक्ति अथवा 2 पंक्ति के आवास में रखें, इनके आहार व पानी के लिए लंबाई में टाल बनावें तथा खुली जगह भी उनके घूमने के लिए रखें। इन शुक्रों के लौटने पोटने के लिए खड्डा अवश्य बनावें ताकि गर्मियों में उनमें पड़े रहें। रोगी शुक्र बाड़ा, सेग्रीगेशन सेट्स, रोगी पशुओं का बाड़ा स्वस्थ पशुओं से दूरी बनावें तथा वही रोगी पशुओं को रखें। रोगी पशुओं के शेड के पानी की हमेशा आवास से सीधे बाहर ही निकासी करें। अन्य जो भवन है, आहार भंडारण और उपकरणों को रखने के लिए आदि कक्ष जो है वो आवश्यक है, वो भी
बनाएंगे। इसमें कोई इतना कहीं जगह जो है रह गया है, इसको कल जो है अच्छी तरह से देख के दोबारा इनको जो समझ में मेरे भी नहीं आया इनको रिपीट करेंगे और इसको देखेंगे। थैंक यू भाई।